अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने सिल्की थ्रेड और कॉटन थ्रेड दोनों को यूज़ किया है आज के डिज़ाइन के लिए। इन दोनों को मैं मिक्स एंड मैच करके डिज़ाइन बनाऊंगी। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है और शाइनिंग भी आती है हमारे डिज़ाइन में दोनों थ्रेड्स को यूज़ करने से। और इसी डिज़ाइन को आप सिंपल कॉटन से भी यूज़ बना सकते हैं, सिंपल आप सिर्फ और सिर्फ सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं। इस तरह से हम इसको ज्वाइन करते हुए स्लिप नॉट ले लेंगे और बहुत ही इजी है हमारा आज का डिज़ाइन, जिसके लिए हमें बेसरो की ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर आप बिगनर्स हैं, आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल लगती है, तो आप बेसरो ज़रूर बनाया कीजिए। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। सबसे पहले हमने अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले ली है ऐसे ही, और इसको हम अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे भी आपने अपना डिज़ाइन बनाना है, कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए। सिंगल क्रोशे कर देने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू चेन ले लेंगे और फिर हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए डबल क्रोशे बनाएंगे कुछ इतने डिस्टेंस पे जितना कि हमारा टू चेन के साथ बनता है। कुछ इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप बनेगा। और इसके बाद क्या करना है, इस डबल क्रोशे के एज पे हमने थ्री चेन लेनी है, साथ ही हमने डबल क्रोशे बनाना है और साथ पीकॉट बनाना है। वन टाइम, वन टू थ्री, इस डबल क्रोशे के एज पे हमने थ्री चेन का पीकॉट बनाया कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने फाइव पीकॉट्स के साथ डबल क्रोशे बनाने हैं, वन, और ये हमारा हो गया टू डबल क्रोशे, वन टू एंड थ्री, थ्री टाइम इसकी चेन बनाई और इसको इसके क्रॉस में हमने सिंगल क्रोशे किया। फाइव पेटल्स हमने बनानी है डबल क्रोशे की फाइव पीकॉट्स के साथ, थ्री, वन टू एंड थ्री, थ्री चेन, इसके क्रॉस में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। एक बार फिर से बनाएंगे, वन टू एंड थ्री, थ्री चेन, इसके क्रॉस में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। हमारे पास फोर टाइम हो गया, एक बार फिर से बनाएंगे हम, वन चेन टू थ्री, थ्री चेन, और इसके क्रॉस में हमें सिंगल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से ये हमारे पास वेरी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरह से। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट वाला स्टिच होगा, इसको इसके ही डिस्टेंस पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशे कर देंगे। कुछ इस तरह से हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, और सिंगल क्रोशे करने के बाद हमें टू चेन लेना है, टू चेन को हमने फिर से सिंगल क्रोशे कर देना है टू चेन के गैप के ऊपर। टू चेन लेते हुए हमने फिर थ्री चेन बनाना है, वन टू एंड थ्री, थ्री चेन जब बना लेंगे हम इसके बैक पे चले जाएंगे, तो ये जो पीछे वाला हमारा फाइव पीकॉट्स वाला फ्लावर था, इसके जो लास्ट वाले टू पीकॉट्स हैं उनमें हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। ये वाला स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले नीचे से जो सेकंड वाला हमारा सेकंड लास्ट वाला पीकॉट है, उसमें हम इसमें सिंगल क्रोशे करते हुए थ्री चेन ले लेंगे और फिर वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे ही सेम फाइव पीकॉट्स वाला फ्लावर बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट पे बनाया था। थ्री चेन बना लिया, वन टाइम डबल क्रोशे, वन टू एंड थ्री चेन का पीकॉट इस डबल क्रोशे के क्रॉस में, वन टाइम डबल क्रोशे, और इसके एज पे भी पीकॉट थ्री चेन का, फाइव पेटल्स हमने डबल क्रोशे के साथ इसी तरह से बनानी है पीकॉट के साथ, डबल क्रोशे, वन टू एंड थ्री, थ्री चेन इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे। थ्री, और ये हमारा लास्ट, थ्री चेन और इसके क्रॉस में डबल क्रोशे। और फिर क्या करेंगे, हम इसको इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे जितना कि हमारे पास इसका डिस्टेंस बनता है। इसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं हमारा डिज़ाइन बनना चाहिए। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। आपने नोट किया, हमने ये वाले फ्लावर को कम्प्लीट किया पीछे वाले टू फ्लावर के सेकेंड लास्ट वाले पीकॉट में सिंगल क्रोशे करते हुए कुछ इस तरह से। और इसी पैटर्न को हमने रिपीट करना है। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी, ये वाला फर्स्ट वाला स्टेप सिर्फ हमने वन टाइम ही यूज़ करना है। नेक्स्ट पे हमने इसको ऐसे ही बनाना है, टू चेन बनाते हुए सिंगल क्रोशे कर देना है और फिर थ्री चेन बनानी है।
टू चेन हो गया, थ्री चेन बनाएंगे, टू एंड थ्री। बैक पे चले जाएंगे, जो पीछे वाला हमारा पीकॉट्स हैं फाइव टाइम, उसमें सेकंड लास्ट वाले पीकॉट पे यहाँ से एक को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, और साथ ही थ्री चेन लेते हुए हम वापस फ्रंट पे आएंगे और फिर से इसी गैप में सेम एज इट इज़ फाइव टाइम यहाँ पे पीकॉट्स के साथ डबल क्रोशे बनाएंगे। वन, टू डबल क्रोशे, थ्री, थ्री चेन का पीकॉट, और ये हमारा फोर्थ, इसके ऊपर भी हम थ्री चेन का पीकॉट बनाएंगे, और ये हमारा लास्ट फिफ्थ वाला, और इसके ऊपर भी हम थ्री चेन का पीकॉट बनाएंगे। कुछ इस तरह से पीकॉट बनाया और इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे किया और इसको इसी के डिस्टेंस पे हमने अटैच कर दिया। सिंपल, वेरी सिंपल डिज़ाइन है, और लेकिन बनने के बाद आप देखिएगा बहुत ही खूबसूरत लगता है, कुछ इस तरह से बिल्कुल न्यू लुक आती है। यहाँ पे हमने एक चीज़ याद रखनी है, जब हम नेक्स्ट वाला फ्लावर बनाना है तो पीछे वाले फ्लावर के जो सेकंड लास्ट वाला पीकॉट है उसमें हमें इसको सिंगल क्रोशे करना है, सेम इसी पैटर्न को रिपीट करना है और अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। मैं थोड़ा सा आपको लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको डिज़ाइन की फाइनल लुक का आइडिया हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी इसकी लेंथ कंप्लीट की है ताकि आपको आइडिया हो जाए देख के डिज़ाइन के हमारा लास्ट में फाइनल लुक कैसी आती है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है और बहुत ही आसान भी है। इसमें हमें बेस रो नहीं बनानी है, लेकिन अगर आपको डिस्टेंस का कुछ इशू है, कुछ मसला है, आप बेस रो बनाना चाहते हैं, तो आप पहले वन चेन सिंगल क्रोशे या फिर टू चेन सिंगल क्रोशे या फिर सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बना सकते हैं। बेस रो बनाने का फ़ायदा ये होता है, जो मेरी प्यारी बिगिनर फेलोज हैं उनको डिस्टेंस लेने में आसानी होती है और वो आसानी से काउंट करके स्टिचेस को अपने डिस्टेंस को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, अपने दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, कहीं पे भी बनाएं, और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपसे डिज़ाइन कैसा बना। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी किसी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।